हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवंबर मंथ के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। जैसा कि एक वीडियो आ चुकी है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स आ चुका है और आज हम लोग सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स तो लगभग आप सभी जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स तो ऐसे तो बहुत सारी खबरें हो जाती हैं, न्यूज हो जाती हैं, लेकिन हम जो है आपको मतलब बेस्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज होती है वो वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 का लोगो वेबसाइट मोटो किसने लॉन्च किया है? तो ये लोगो वेबसाइट और मोटो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने, बात ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी। इसके अगर मोटो की बात करें तो वन वर्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। इस बार का जो मोटो है वो वन वर्ड वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगर G20 की बात की जाए तो इस साल की जो बैठक हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी, इंडोनेशिया। G20 2023 की मेजबानी भारत करने जा रहा है, भारत G20 2023 की मेजबानी करेगा। G20 की स्थापना 1900 जो आधिकारिक बैठक हुई थी पहली बार वो 1999 में बर्लिन में हुई थी। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह जापान में शुरू हुआ है, जापान। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 जापान में शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे? अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, 1992 में से यह मतलब चलता चला आ रहा है युद्ध अभ्यास। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास होता था, ये मालाबार नौसेना अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता था 1992 से। उसके बाद जापान को ऐड किया गया, जापान 2015 से इस मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ 2015 से, और ऑस्ट्रेलिया 2022 में। ठीक है, मालाबार ये जो चार कंट्री हैं इनको हम लोग क्वाड ग्रुप भी के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये एक क्वाड ग्रुप है, QUAD क्वाड ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर राइट आंसर है, ये 2022 नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है, मतलब कि लॉ कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के 50वें CGI कौन बने हैं? हाल ही में अभी CGI बने हैं, ये आपके 50वें CGI DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ को भारत के 50वें CGI बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो ये DY हो गए, इनके पिताजी एक YB। ठीक है, इनके पिता जो DY चंद्रचूड़ हैं, इनके पिताजी भी क्या थे, CGI थे, YB चंद्रचूड़ जिनका नाम था, YB चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल 1978 से लेके 1984 तक रहा था।
1978 से लेके 1984 तक, मतलब कि सर्वाधिक समय के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा है तो इनके पिताजी डी वाई चंद्रचूड़ के पिताजी बाई वी चंद्रचूड़ रहे थे। एक क्वेश्चन बनता है इससे है कि फर्स्ट सीजीआई कौन थे। फर्स्ट सीजीआई, तो फर्स्ट सीजीआई हरिलाल जे कानिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सीजीआई कौन है? हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोप, सी ओ पी कोप 27 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन मिस्र में देश में हाल ही में शुरू किया गया है। कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके जो आयोजन करवाता है वो यूएनएफसीसी कराता है, यूएनएफसीसी इसका जो आयोजन होता है वो यूएनएफसीसी कराता है। ये तो कोप 27 का आयोजन मिस्र में है और 26 का जो आयोजन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। कहाँ? ग्लासगो में, ग्लासगो, ग्लासगो, ठीक है। और कोप 27 इसमें क्या होता है, जलवायु परिवर्तन या फिर पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। कोप 27 हर साल आयोजन किया जाता है इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो संपन्न हुआ है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो इसका जो आंसर सही है वो उज्जैन है, ध्यान रखिएगा उज्जैन। उज्जैन में दुनिया की पहली, देखिए पहली शब्द लग गया तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, वही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। इसमें जो 24 घंटे होंगे वो मुहूर्त के हिसाब से बांटे जाएंगे, ठीक है। जो 24 घंटे घड़ी में होंगे वो मुहूर्त के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं और सूर्य के अनुसार ये घड़ी काम करेगी, ठीक है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में लगाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह हरियाणा, हरियाणा। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम किस राज्य में शुरू हुआ है? हरियाणा में। इसका जो उद्देश्य है वो वन आवरण को बढ़ाना है, वनों के आवरण को बढ़ाना, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, वर्ष 2021 के लिए कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार, नाइटिंगल होता है बेटा, नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 51 लोगों को नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किया गया। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म कब हुआ था? जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, इसीलिए हम लोग 12 मई को फ्लोरेंस नर्सिंग डे मनाते हैं, फ्लोरेंस नर्सिंग डे मनाते हैं, ठीक है। और 51 लोगों को दिया गया इस बार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड गौरव सम्मान इस वर्ष कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो इस वर्ष 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। यह 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, उत्तराखंड गौरव सम्मान देने की शुरुआत 2021 से हुई है। इस बार 5 लोगों को दिया गया है, किन किन लोगों को दिया गया मैं उनके नाम लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपके प्रसून जोशी, नेक्स्ट है गिरीश चंद्र, एक है आपके बीरेन डंगवाल, एक है अजीत डोवाल और एक फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दिया गया है।
तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 लोगों को दिया गया है, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र, गुरियन डंगवाल, अजीत डोभाल और बिपिन रावत को मिला है। और इसकी स्थापना 2021 में, मतलब 2021 से दिया जाना शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो रोजर बिन्नी और आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने वो ग्रेग बारकले बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 को किसने जारी किया है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, तो यह शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, इसमें शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है इस समय। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ने इस इंडेक्स को जारी किया है। ये मतलब लेवल वाइज जारी की जाती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में कोई भी राज्य का स्कूल नहीं आया है, लेवल 2 में आपके कुछ राज्य के स्कूल आए, लेवल 3 आए, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो लेवल 1 में कोई भी स्कूल नहीं आया है। 21वीं एशियाई इक्वेस टीम चैंपियनशिप 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत देश ने किस देश ने जीता था? तो भारत देश ने 21वीं एशियाई इक्वेस टीम चैंपियनशिप जीत लिया है। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में भारत ने जीता है, और महिला वर्ग की बात की जाए, महिला वर्ग तो हांगकांग ने जीता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी वो 1980 से ये गेम खेला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा, गोवा में। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसकी स्थापना मतलब कब से यह स्टार्ट किया गया था? तो 1952 से यह शुरुआत किया गया था। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? इस बार गोवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो यूनेस्को के अनुसार 2050 तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। अगर बात की जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो आपका पेरिस में है, और पेरिस आपको पता कहाँ पड़ता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 किस देश में हुई है? तो यह दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में जान लीजिए कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। कहाँ? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे? तो वह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे। मतलब क्या भेंट करेंगे उसमें? तो एक तो आपका चंबा रुमाल और कुल्लू साल दी जाएगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्रम S। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के श्रद्धांजलि के रूप में जितने भी स्काई रूट होते हैं ना, उनका नाम विक्रम के नाम से रखा जाता है। ठीक है,
तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है केरल। केरल राज्य सोने की गोल्ड की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है शुभ्र कांत पांडा। तो पांडा यहाँ पे याद रखिए, फिक्की के नए अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल हुई है, कितनी भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं? तो 3 महिलाएं इस लिस्ट में शामिल की गई हैं, जिनके नाम हैं गजल अलख। अगर आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे तो आप गजल का नाम तो जानते ही होंगे। इसमें ये मामा अर्थ की को फाउंडर है। दूसरी महिला है सोमा मंडल और नमिता थापर। ये 3 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में। गजल अलग को, सोमा मंडल को और नमिता थापर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा मिलर किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये अमेरिका में लेफ्टिनेंट गवर्नर। सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट है, अरुणा मिलर को बनाया गया है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2023 में। भारत सिर्फ इसकी ही नहीं करेगा, क्रिकेट की भी करेगा और हॉकी की भी करेगा। क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, तीनों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भारत ही मेजबानी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर है भारत। भारत जो है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक करेगा इस साल। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं? तो उनके नाम है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये बिम्स्टेक में देश शामिल हैं, तो इस बार की बैठक भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा इस बार? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में होगा? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। तो उत्तर प्रदेश में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 होंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो तिमोर लेस्ते ये 11वां सदस्य बन गया है आसियान का। ये इंडोनेशिया के पहले मतलब अंडर में था, उससे पहले पुर्तगाल के अंडर में था, ये थोड़े दिन पहले स्वतंत्र हुआ है और ये 11वां सदस्य बना लिया गया है आसियान देशों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में होगा? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। ये अमूर फाल्कन जो आपका है, एक तरीके का बाज है, सबसे छोटा पक्षी होता है, इसे आप रैप्टर भी बोल सकते हैं, इसको रैप्टर ऐसे पक्षी मतलब जो शिकारी मतलब जीवों को ही खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग रैप्टर बोलते हैं। अमूर फाल्कन यह मतलब छोटा पक्षी है, लेकिन इतना बिना रुके इतने मतलब देश से देश कन्वर्ट होता चला जाता है, बिल्कुल एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएगा बिना रुके, और बहुत छोटा भी होता है अमूर फाल्कन, और इसी की जागरूकता के लिए यह संस्करण चलाया जा रहा है मणिपुर सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है, नई दिल्ली में
नई दिल्ली में प्रगति मैदान है, वहाँ पर यह शुरू किया गया है व्यापार मेला। पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड चौथे कबड्डी इंग्लैंड चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता किसने जीती है? तो श्लोक मुखर्जी ने गूगल फॉर डूडल की प्रतियोगिता जीत ली है। तो कौन है? श्लोक मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत कौन बने हैं? तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा। इन्होंने 7 अगस्त 2021 को भाला फेंका था, तो उसी दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है नीरज चोपड़ा ने, जिस दिन भाला फेंका था। और स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत मतलब कि फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना के द्वारा प्रस्थान अभ्यास शुरू किया गया है, आयोजित किया गया है। प्रसार भारती के CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। प्रकाश भारती आपका दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के ग्रुप का समूह मतलब क्या ग्रुप ही है प्रसार भारती, उसका हाल ही में CEO नियुक्त किया गया है। कौन? गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन को इसका प्रमाण मिला है। ठीक है, और यहीं पे आपकी वीडियो जो है समाप्त होती है। और ये सेकेंड वीक का नवंबर के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स था। और ऐसे ही करंट अफेयर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।